हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलेगा इस अमेजिंग वाले डिवाइस का एक अनबॉक्सिंग। और दोस्तों डिवाइस को अगर आप पहचान सको तो यार ये अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्लैगशिप डिवाइस है, जो का एक कॉर्नर तक डिस्प्ले तो समझ चुके होगी। ये S9 तो नहीं है बट ये है S8, जो कि बहुत ही सही प्राइस रेंज में अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और मैंने भी ऑर्डर कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। तो यह एक अमेजिंग गिव अवे है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और ये फोन होने वाला है रियलिटी में आप सभी में से किसी एक का। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए और बने रहिए। मैं आप सभी को इस फोन की पूरी अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ और सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वो प्रोडक्ट जो है आप सभी को मेरी तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट है, और आप में से किसी एक को मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये जानकारी के लिए पूरा वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं यार, हर बार प्रूफ नहीं देता हूँ मैं, मतलब एड्रेस वगैरह नहीं बताता हूँ अपना। इस बार मैं आपको इस बिल पे अपना ये जो जो डब्बे पे लिखा हुआ है इस पर अपना एड्रेस देख लिया, मेरा देवेंद्र चांडक और ये सब कुछ लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यार हर बार लोग मुझे कहते हैं मैं फेक बनाता हूँ, तो यार ऐसा कमेंट जब नेगेटिव कमेंट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि यार हेटर्स भी होने चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं यार इस बॉक्स को। और दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S8, जो कि एक बहुत ही कूल अमेजिंग अपने टाइम का फ्लैगशिप और आज तक का सबसे शानदार वाला डिवाइस मतलब साबित होने वाला इस वीडियो के बारे में दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी बातें इसके बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को, और कुछ जो एक दो कमियाँ होगी तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल और के सब हमें यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। मैंने इसके साथ में इसका इंश्योरेंस भी बाय कर लिया दोस्तों, मैंने इसे अभी जो सेल चल रही है हाल फिलहाल में उसी के अंदर बाय किया था। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो यार आप बिलिंग एड्रेस में देख सकते हैं, मतलब ये लो दोस्तों मैं यहाँ पे 11th अक्टूबर 2018 लिख रखा है। और दोस्तों मैंने ऐसा अभी कुछ दिनों पहले बाय किया था अभी इसी सेल के अंदर, और सेल अभी ऑन गोइंग है, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि यार ये मतलब इस सेल के अंदर बहुत सस्ता मिला है। लॉन्च हुआ था दोस्तों 57,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट में, और अभी जो प्राइस मिल रहा है वो 27,000, हम लोग समझ सकते हैं जो डिस्काउंट है वो बहुत ही भारी डिस्काउंट है। अब दोस्तों ये बहुत ही हार्ड एनवलप के साथ में सैमसंग ने इसे दिया है। अगर एनवलप की बात करें तो यहाँ पर कलर का क्लियरली मेंशन किया गया है, मिडनाइट ब्लैक हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों S8 लिख रखा है यहाँ पर, सैमसंग ने अपनी जो ब्रांडिंग लगाई है सैमसंग S8 और 64 GB वाला वेरियंट हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो पीछे मेंशन की गई है, सैमसंग गैलेक्सी A7 14.65 सेंटीमीटर का डिस्प्ले देखने को मिलता है, क्वाड एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्लस नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, 12 का रियर कैमरा। ये सबसे अच्छी बात है इसकी IP68 वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस, वाटर मतलब डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस दोनों इसमें देखने को मिलता है, आयरिस स्कैनर देखने को मिलता है फ्रंट में, और उसके साथ में बहुत सी चीज़ें 64 GB की मेमोरी है, 4 GB की रैम है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और साथ में हमें 1 kg के ईयरफोन देखने को मिलते हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे डिवाइस का प्रॉपर बॉक्स, यहाँ पर भी हमें सैमसंग की कूल वाली ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये सारे IMEI नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। जो बॉक्स पे प्राइसिंग मेंशन की गई है वो जो शुरुआत में प्राइसिंग है 51,000 वो मेंशन की गई, आप लोग देख सकते हैं September 2018 में, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पीस है दोस्तों। बहुत ही मतलब कूल ऐसा मतलब लुक वाला बॉक्स भी देखने को मिलता है, अमेजिंग सा लगता है ऐसे ऐसे बॉक्स ओपन करने में हमेशा अच्छी सी फील आती है। अब दोस्तों ये हमारा एसेट एक बार ऐसे साइड में रखते हैं और बात करते हैं डिवाइस मतलब इस बॉक्स में और क्या कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि इस बॉक्स में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि एप्पल नहीं दे पाता है और एप्पल नहीं देना चाहता है दोस्तों। तो ये तो इसके फ़ोन के साथ में, ये जो फ़ोन के साथ में नीचे रखने वाला, और ये दोस्तों एक बॉक्स जिसके अंदर हमें तो इसकी यूज़र मैनुअल गाइड है वो सब कुछ देखने को मिल जाएगी, क्विक स्टार्ट गाइड जो कि हम कभी पढ़ते ही नहीं है आजकल, पता नहीं क्या हो चुका है, पहले लोग पढ़ लिया करते थे। और दोस्तों ये जो ट्रैवल अडेप्टर देखने को मिलता है, अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब दोस्तों फ़ोन के अंदर तो दोस्तों Type-C पोर्ट दिया गया है, और इसके साथ में हमें क्विक चार्जिंग का भी मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर हमें इसके अंदर जो है अडेप्टिव फास्ट चार्जर ही दिया गया है, फास्ट चार्जर भी नहीं दिया गया। और ये दोस्तों जो वोल्टेज है रेटिंग बता देता हूँ इसकी, तो रेटिंग आप लोग देख सकते हैं 9 वोल्ट और 1.6 एम्पियर और 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर, मतलब टोटल मिला के 10 वोल्टेज भी दोस्तों काम करने वाला एक चार्जर हमें देखने को मिलता है। और इसमें बॉक्स में अलग अलग अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक OTG केबल की, OTG अडेप्टर की, जो कि है Type-C से दोस्तों USB Type-A का एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे इस डिवाइस में एकदम सही से सपोर्ट करने वाला है। और इसके बाद में हमें यार दोस्तों मतलब ईजी होगी एक पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके फास्ट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक कनेक्टर है जिसके थ्रू हम
जो स्टैंडर्ड यूएसबी टाइप भी है वो कनेक्ट कर सकते हैं टाइप सी अपने डिवाइस के साथ में, नॉर्मल चार्जर से अपना जो डिवाइस है वो चार्ज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजी कंडीशन में। अब दोस्तों एक और साइड में यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है वो सब भी हम बात करते हैं। ये एक साइड का साइड में बॉक्स देखने को मिलता है दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलते हैं AKG की ब्रांडिंग के साथ में ये फोन्स और उसके साथ में एक्स्ट्रा ईयरबड्स और एक्स्ट्रा ये एक ट्रैवल अडेप्टर के लिए केबल। तो दोस्तों ये टाइप सी वाला केबल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी वाला, जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। अब दोस्तों बात करते हैं ये फोन्स की, तो यार अब AKG की ब्रांडिंग को बहुत टीज़ किया है सैमसंग ने। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी को अगर मैं जज करूँ तो दोस्तों बहुत ही मतलब कूल अच्छी सब कुछ मतलब सारा कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी ये फ़ोन की बहुत अच्छी देखने में मिलती है। ज़्यादातर हमारे ये फोन होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, गांठे बढ़ जाती है, वैसा सब कुछ इसके साथ में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हमें यहाँ पर AKG की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में जो ये यहाँ पर एक वॉल्यूम रॉकर कीस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस और साथ में बीच में पॉज वाला बटन देखने को मिल जाता है। और ये मतलब जो जो मतलब बाहर की नॉइस कैंसिलेशन जो कहते हैं नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहुत सही देखने को मिलने वाली, मैंने इसे प्रॉपरली यूज़ करके देखा क्योंकि बॉक्स ने मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था बॉक्स को ताकि मैं आपको एकदम सही बता सकूँ, और डिवाइस को मैंने एकदम पहले ही सेट करके रखा है। तो अब यार इसे हम स्विच ऑन कर लेते हैं तो और आपको दिखा देता हूँ अंदर इसके क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो मैं ये ग्लास हटा दूँ, मतलब जो स्क्रीन स्क्रैच गार्ड है ये हटा देता हूँ, ये नॉर्मल एक स्क्रैच गार्ड कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है हमें ताकि हमें ना लगाना पड़े। और रियर में भी हमें एक जो ये फ्रंट में और रियर में दोस्तों तो दोनों हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है और दोनों में दोस्तों हमें स्क्रैच गार्ड देखने को मिलता है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास में भी दोस्तों स्क्रैच तो लग ही जाते हैं। अब दोस्तों ये हमारे डिवाइस जो मतलब गुड लुकिंग बहुत ही शानदार देखने को मिलता है यार, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट आगे से पीछे से बहुत ही मस्त जैसे देखने को फील होता है। दोस्तों ये सब कुछ मैं अटन नहीं हटाने वाला था कि जिसको ये फोन मिला उसे अच्छा फील हो गया नया नया डिवाइस है वैसा सब कुछ। अब दोस्तों इसे कर लेते हैं स्विच ऑन और आपको दिखा देता हूँ इसकी सिम ट्रे ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर कौन सी सिम कितना क्या क्या सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये वाला इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल इसके अंदर देखने में मिल जाता है। और यार फिजिकल ओवरव्यू के बारे में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें रियर में एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि जिसकी पोजीशन मैंने कहा था कुछ गलत चीज़ें भी होती है हर डिवाइस के अंदर, तो दोस्तों ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल सही नहीं है, पता नहीं सैमसंग ने इसे क्यों चूज़ किया है, बस यही एक इसमें कमी लगी मेरे को। यहाँ पर एक हार्ट रेट सेंसर और एक यहाँ पर मुझे एक बस बड़ा वाला कैमरा और एक फ्लैश लाइट देखने में मिलता है जो कि ड्यूअल टोन LED फ्लैश को सपोर्ट करता है। और साथ में फ्रंट में एक कैमरा है अच्छा वाला और इसके साथ में एक आयरस स्कैनर और यहाँ पर 2-3 सेंसर देखने में मिलते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इस सिम ट्रे को एक बार निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट करता है यार। तो दोस्तों ये देख लो इसे 2 सिम डाल सकते हैं हम इसके एक साथ इसके अंदर एक साथ, अगर दोनों सिम डालना चाहे तो माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। सिम ट्रे को आप इसे इंसर्ट कर देता हूँ, सिम वगैरह मैंने इसमें अभी कुछ डाल के नहीं रखा है। अब दोस्तों नॉर्मल जो ये वाला वे वाला जो पैटर्न ये मैंने लगा रखा है L वाला। अभी दोस्तों एक्स्ट्रा ईयरबड्स की बात करूँ तो यार मैंने इसको अभी पैक रखा है, पर आई होप मुझे इसके अंदर जो 3 साइज होते हैं जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो देखने को मिल जाए। और ये फ़ोन सो बाकी जितना भी मटेरियल सैमसंग की एक ये खासियत है, सैमसंग बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देता है, एप्पल की तरह नहीं है। एप्पल के केस में हमें 2100-2200 रुपये देकर अलग से जो OTG केबल अडेप्टर्स वगैरह वो परचेज करने पड़ते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है सैमसंग के साथ किस्सा। सैमसंग फास्ट चार्जर भी हमें देने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों जो मीडियम साइज़ के हैं वो दोस्तों ये फ़ोन्स के ऊपर लगे हुए हैं, और मीडियम साइज़ के जो ये है मतलब ईयरफोन्स के ऊपर लगे हुए ईयरबड। उसके बाद में अगर बाकी ईयरबड की बात करें लार्ज और नॉर्मल जो स्मॉल साइज़ है वो दोनों दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, वो हम अपने हिसाब के या फिर खो जाए दूसरा तो इसका यूज़ ले सकते हैं इजीली, ये काम आएगा आपके जिसको भी ये फ़ोन मिलने वाला है। तो दोस्तों यार ये देख लीजिए फ़ोन मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब अगर यार फिजिकल ओवरव्यू की अब बात करते हैं, यहाँ पर एक लॉक अनलॉक की देखने को मिल जाती है और एंड तक डिस्प्ले देखने को मिलती है आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर हमें एक ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक और उसके साथ में यहाँ पर हमें एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर और उसके नीचे डेडिकेटेड बिक्सबी का बटन देखने को मिल जाता है, जिसे प्रेस करते ही बिक्सबी लॉन्च हो जाता है जो कि सैमसंग का अपना खुद का असिस्टेंट है घर का। अब दोस्तों ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ऐसे लोड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमें 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है जो कि बाकी कंपनियों की तरह सैमसंग ने नहीं हटाया, और ये सही डिवाइसेस में हटाना भी नहीं चाहिए। अब टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में माइक और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी भी इसकी मतलब मैंने जज की तो यार सही देखने को मिली थी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस फ़ोन के बारे में और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए,
बाकी यार अगर मैं आपको इसको यूज़ लेके बताऊँ तो इसका इंटरफेस मुझे बहुत ही सही देखने मिला। और इंटरफेस की बात करूँ तो मैंने जैसे ही मतलब फ़ोन ने ऐसे मतलब ओपन किया था उसके बाद में जस्ट मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद में अभी जो सॉफ्टवेयर पर रन कर रहा है वो एंड्रॉयड 8.1.0 वगैरह से किया एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट उससे अभी देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों मतलब और इसके बात करूँ हीटिंग इशू की तो दोस्तों मैंने इसके अंदर पबजी भी खेल के देखा है अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे कोई टाइप का मतलब हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ज़्यादातर स्मार्टफोन में पबजी चलता भी नहीं है तो इसके अंदर बिना हीटिंग इशू के चल रहा है। और अब कैमरा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ तो कैमरा को कुछ इस तरह से जज करते हैं दोस्तों। एक फास्ट मैंने फटाक से एक फ़ोटो खींच ली और इसके अंदर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मेरा हाथ हिलने के बावजूद भी दोस्तों सही फ़ोटो आई है यार। मतलब चेहरे की डिटेलिंग एकदम सही से कैप्चर हुई है। नॉइस हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर केसेस में नॉइस देखने को मिल जाती है। मैंने बाकी थोड़ी देर पहले इससे कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करके खेल ली थी जो कि यार सही फ़ोटोज़ मुझे देखने को यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर नॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है जो कि यार सही लगता है। अगर एक डिवाइस के अंदर हमें ज़्यादा नॉइस देखने को मिलती है फिर वो फ़ोटो एक ख़राब सा फील होता है। और उससे रियर कैम की भी बात करें तो यार मैं एक जो बॉक्स है उसकी एक ऐसे फ़ोटो खींच लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों रियर कैमरा की एक सैम्पल आप लोग देख लीजिए मतलब सब चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन हो जाती है और जो फोकस डिटेक्शन है एज डिटेक्शन वो भी एकदम सही देखने को मिल जाते हैं। और हम अगर बात करें यार मैंने एक रफ़ सरफेस पे इस फोटोग्राफ को कैप्चर किया तो आप लोग देख लीजिए रफ़ सरफेस कितना मतलब स्मूथली हम इस रफ़ सरफेस को देख पाते हैं एकदम सही से जो कि हम एकदम अपनी जो आँखें उनसे भी नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर एकदम एकदम सही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर यार मतलब डिस्प्ले भी इसकी है जो 4K सपोर्ट करती है कैमरा भी इसका रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग वाले टाइम 4K सपोर्ट करता है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मतलब इसका गिव अवे का अगर अनाउंस करूँ तो दोस्तों इसका गिव अवे के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है कोई भी एक कमेंट पुट कर देना है कि आपको इस डिवाइस के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा इसके बारे में कोई भी एक कमेंट पुट कर दो। उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो मस्ट नीडेड थिंग है वो है दोस्तों मतलब ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप देख सकते हैं और मस्ट नीडेड थिंग है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है कम से कम एक जगह आपको शेयर करना पड़ेगा तभी आपको जो गिव अवे वो एक्टिव हो पाएगा तभी आप गिव अवे मतलब एक्टिव हो पाओगे और उससे मुझे नहीं लगता आप एक्टिव हो पाओगे। तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। और ये गिव अवे का रिजल्ट आपको इस संडे नहीं इसके नेक्स्ट जो संडे आने वाला है उसमें देखने को मिल जाएगा। और आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्दी रियलमी टू प्रो है जो अनबॉक्सिंग उसकी भी देखने को मिल जाएगी। उसकी डिलीवरी हो चुकी है मेरे घर पर और आपको बहुत जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और उसका भी गिव अवे आने वाला है। अब देखते हैं कितने डिवाइस होते हैं 1, 2, 3, 4 जितने मेरे को मतलब मिलते हैं उतने डिवाइस की अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए गिव अवे आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यार इस वीडियो को शेयर कर दो फटाक से और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताइए डिवाइस आपको कैसा लगा।